एक बहुत ही अच्छी फिल्म है और मैंने बड़ी मेहनत की थी, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मैं हरियाणवी बोलूं तो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है मेरे इतने एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया हुआ है चंद्रमुखी चौटाला का, तो सब ये कहेंगे कि भाई सेम हो गया ये तो, यू नो. लेकिन मैं काफ़ी टाइम से एक ऐसे रोल का वेट कर रही थी जहाँ पर मैं ऑडियंस को वो भी दे सकूँ जो वो चाहते हैं, कि मेरा एक एक सर्टन अंदाज, एक स्टाइल, हरियाणवी भाषा, लेकिन एक जो एक्टर है कविता वो ऑडियंस को दिखाई दे. और वो इस फिल्म के ज़रिए आई एम सो ग्लैड कि ऑडियंस ने देखा है और उसे पसंद किया है, बिकॉज एक कम्प्लीटली ऑपोजिट कैरेक्टर है. चौटाला हीरो थी तो सरला हीरोइन है वेग बराता चलियाँ की. और इवन एज अ गर्ल उसमें आप बहुत अलग अलग शेड्स देखेंगे. एज अ परफॉर्मर मुझे इमोशनल सीन्स करने को मिले. मैं इतना रोई हूँ स्क्रीन पे, विच इज़ सो नॉन कविता एंड नॉन माय इमेज. सो एंड इस बात का ना मुझे एक ज़रा सा डर था, क्योंकि जब भी मैं ऐसा कुछ करने का प्रयास करती हूँ जिसमें मैं नॉन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले करती हूँ, तो ऑडियंस थोड़ी सी ना वो कहती है नहीं नहीं हमें तो अच्छा लगता है कि एक्शन करें. और सो द वेरी फैक्ट कि ऑडियंस बहुत खुश हुई है मुझे इमोशनल सीन्स करते हुए देखकर और मेरी परफॉर्मेंस को सराहा गया है, दैट्स व्हाई इट्स अ बिग अचीवमेंट. ओके कविता, क्या उम्मीद की थी आपने इतनी बड़ी कामयाब होगी कमर्शियली, इतनी बड़ी हिट होगी? मुझे सैराट की याद आ गई, यू नो द वे इट इज रेस्पोंडेड इन टर्म्स ऑफ फिगर्स, यू नो नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो इट्स ह्यूज. यस, मैंने एक्चुअली इतना तो नहीं एक्सपेक्ट किया था. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि लोग पसंद करेंगे, क्योंकि कहानी बहुत अच्छी लिखी हुई है और बहुत ही ह्यूमर शुरू से अंत, लास्ट के 10 मिनट से पहले तक ह्यूमर ऐसा है कि जिनको पंजाबी नहीं भी समझ में आती है ना वो भी हंस रहे हैं, बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है फिल्म. मैंने इट्स इवन विजुअली वेरी हिलेरियस, बट लास्ट के 10 मिनट में टक करके सब रो देते हैं, क्योंकि एक इतना इमोशनल यू नो चेंज ओवर होता है. एंड कहानी बहुत ही टाइट है एंड आई न्यू कि अच्छा करेगी, बट इतना अच्छा करेगी नहीं पता था. सो एक्साइटेड. मतलब आप पंजाब में भी बिजी होने रहने वाले हैं, और कितने ऑफर हैं, वंस यू नो द फिल्म इज ऑलरेडी आउट इन कमर्शियली, इट्स अ सक्सेसफुल फिल्म. या और कितने पाइपलाइन में ऑफर है जो पंजाब पंजाबी फिल्मों के लिए खास करते हैं ना? यू नो यू वोंट बिलीव, लेकिन जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ था ना, ट्रेलर रिलीज़ होने के ही दो दिन बाद मुझे दो तीन ऑफर आ गए थे. लेकिन आई वॉज लाइक यू नो एक बार रिलीज़ हो जाने दीजिए, यू नो देन मैं आई बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर है. एंड पंजाब में बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ बन रही हैं, यू नो. दूसरी भी जो मैं फिल्म्स के बारे में, पहले तो पता ही नहीं था, अब जब देखती हूँ या सुनती हूँ सम वेरी गुड स्टोरीज, या सो आई एम होपिंग टू डू सम गुड स्टोरीज जो भी मीडियम पे हो. अभी आपने जवाब ही नहीं दिया. क्या कमर्शियली हिट होने में कितने ऑफर हैं? आपने कहा कि दो ऑफर तो ऑलरेडी हैं, अब कितने ऑफर हैं? सडनली जैसे ही कमर्शियली बहुत हिट हुई है किसी का फोन नहीं आया, क्योंकि सबको लगता अभी बहुत पैसे मांगेगी. नहीं नहीं अभी नहीं 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 पैसे मेरे पास हैं तो यू नो. और मेरा ऐसा है वो नहीं रहता, मेरे को वो भूख नहीं है, मेरे को एक्टर वाली भूख है. मुझे अच्छा इंटरेस्टिंग मज़ेदार काम करना है. और फिर आप सब जानते हैं, आप लोग तो मुझे इतने सालों से जानते हैं कि मुझे थोड़ा सा काम करके ना फिर पहाड़ों पे जाना होता है, प्लेन से कूदना होता है, ये सब मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है. तो यस, वेटिंग फॉर समथिंग नाइस. मैंने शादी करी वैसे ही वेट कराना चाहिए. या डस द वेडिंग गेट यू अ गुड लक? आई रियली थिंक सो, यू नो, बिकॉज मैं अपने हस्बैंड को एक्चुअली बोलती हूँ कि मैंने यू नो पहले एक आध जो बड़ी अच्छी हिंदी फिल्में करी हैं वो रिलीज़ ही नहीं हुई, वो आपस में प्रोड्यूसर लड़ लिए, वो डब्बे में चली गई. कुछ ना कुछ ऐसा हो गया दैट यू नो, या हमेशा से पिछले 9 साल से तो FIR कर रही थी, 1.5 साल पहले जो ख़त्म हुआ, तो टाइम नहीं होता था. तो आई वाज लाइक यू नो ये चीज़ एट यू नो आफ्टर 15 years ऑफ माई एक्टिंग करियर आई एम स्टिल अ हीरोइन. या आई थिंक दैट्स व्हाट्स ऑसम.
चला जाओ। एक्साइटेड, हमने तो सुना पिक्चर हिट हो गई है, अब क्या एक्साइटमेंट है, हमें जाके देखनी है पिक्चर कि कितनी बड़ी हिट होने वाली है। 1,30,00,000 का फर्स्ट डे है, अनबिलीवेबल। के आर के ने बोल दिया कविता तू हो गई सुपरस्टार, कविता के आर के ने बोल दिया। बट वेरी हैप्पी, पिक्चर बहुत अच्छी चल रही है, सो हम सैंपल करने आए कि पिक्चर में ऐसा क्या है। yes. कविता ने कुछ तो खास किया होगा, बड़े बड़े हिट सीरियल दिए हैं तो ये भी देखते हैं इसमें क्या किया। बिल्कुल, आई थिंक कॉन्टेंट पर डिपेंड करता है कि कॉन्टेंट किस टाइप का है। मेकिंग भी इम्पॉर्टेंट होती है, बट असल में पिक्चर में क्या है, सब कुछ साथ में होता है, स्क्रिप्ट, एडिटिंग, परफॉर्मेंस, सब कुछ पुट टुगेदर जब सही हो जाती है तो पिक्चर ऊपर वाले का हाथ होता है एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल, वो लिपस्टिक पिक्चर ने बाकी सबसे बेटर कर दिया, तो दिस इज हाउ इट इज। पिक्चर में कंटेंट होना चाहिए और इसमें है। आई थिंक कविता के लिए अच्छा है, हमें देखना ये पंजाबी कैसे बोल रही है, बस खाली हरियाणवी बोलेगी कि पंजाबी भी बोलेगी। आई थिंक शी इज़ वेरी वेरी डेडिकेटेड। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत डेडिकेशन है उसमें, मेहनती बहुत है और घबराती नहीं है। हम एक डांस सीक्वेंस कर रहे थे तोता वेड्स मैना में, तो वो डांस से कतरा रही थी, नहीं नहीं मैं नहीं करती, मैं नहीं करती, तो मैंने उसको बोला कि करना चाहिए, तो ट्राई कर जाए, ऐसे ज़्यादा खराब हो गए। लेकिन कविता ने इतना कमाल किया ना उसमें, दैट शी वॉज फिनॉमिनल, शी इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। इसमें भी मेरे ख्याल से कुछ झंडे तो गाड़े होंगे, गाड़े होंगे पक्का पक्का। वो है फुल ऑफ लाइफ कविता, कविता कौशिक इकलौती है हमारी चौटाला, शी इज़ समथिंग एल्स। Because of her, I have to be here. How can not I not be here? मैं बता दूँ फिर? देखो मैं पिटना नहीं जाती, ये पारिवारिक मामला है और ये मैं मिस किसी भी हालत में कर नहीं सकती थी, so I had to be here. ओके, बहुत कमर्शियली बहुत कामयाब रही है फिल्म, क्या कहना चाहेंगे? तो सैराट की याद आती है, किस तरह का रीजनल सिनेमा? आई एम सो हैप्पी, एक तो कि रीजनल सिनेमा इतना अच्छा कर रहा है, एंड सेकेंडली इट हैड टू बी कमर्शियली सो सक्सेसफुल बिकॉज इट हैज़ आ वेरी ओन चार्म एंड वेरी ओन टैलेंटेड कविता कौशिक इन इट। ओके, कविता के बारे में अगर एक लाइन कहना चाहें, एज अ पर्सन क्या कहूँगी? एक वर्ड में कैसे मैं इसको लिमिट कर सकती हूँ? वन लाइन, वॉट यू सी इनसाइड इज वॉट, मतलब वॉट यू सी आउटसाइड इज वॉट शी इज इनसाइड। ओके, कविता
How proud you feel? Do you get emotional when people from your industry? मुझे डर ज्यादा लगता है जब मेरे दोस्त मेरे बारे में कैमरे पे बोलते हैं. इसने हमें बहुत सिखाया था लेकिन वो लाइन्स अभी याद नहीं आ रही. नहीं लेकिन जैसे नहीं नहीं इट्स ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड काम अच्छा होता है और जब आपके अपने लोग आपका काम देखते हैं तो एक यू नो जैसे फैमिली यू नो यू वांट टू शो योर गुड वर्क टू योर फैमिली और फैमिली प्राउड फील करती है वैसे ही शी इज फैमिली एंड ये खुद अपने आप में कितनी बेहतरीन अदाकारा हैं कि जब ये मेरी अदाकारी प्रेज करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है. तो देन आई फील दैट यस इट्स ट्रू एंड शी मीन्स इट. ओके कविता अब ये कह दी बता दो क्या बताने वाले थे आप. यू सेइंग समथिंग. ये गलत सिनेमा हॉल में चली गई थी और यूजुअली ऐसे ही ये वैसे इतनी ये मतलब यू नो समझदार और सुलझी हुई हैं लेकिन कभी कभी ऐसी फ़नी हरकतें कर देती हैं ना कि बच्ची हैं ये बिल्कुल वैसे. सो नहीं बट मैं टाइम से आ गई हूँ. देखो आई एम हियर ऑन टाइम और बिल्कुल भी मेरी वजह से देरी नहीं हुई है. ओके साक्षी आफ्टर दंगल व्हाट नेक्स्ट. दंगल के बाद मैं खाना बना रही हूँ. खाना बना आई एम गोइंग टू होस्ट अ कुकरी शो जिसमें मैं त्योहारों से जुड़ा हुआ खाना बनाऊंगी और खिलाऊंगी भी. कविता को भी बना के खिलाया मैंने उस शो में. तो इट्स कॉल्ड त्यौहार की थाली और बहुत जल्दी एपेक पे शुरू होने वाला है और बहुत मज़ेदार है. मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज नए नए तरह के खाने बनाने मैंने सीखे और उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ बताएं. सो आप उसका इंतज़ार कीजिए. अब थैंक यू. Thank you so much. Welcome. Thank you. Chalo guys. Thank you. Thank you.